वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में ओप्पो का A15 या आपका ओप्पो का कोई सा भी फ़ोन हो, ठीक है, इसमें जो है एक ये चीज़ आ गई है, डिवाइस अनलॉक। तो ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और ये कैसे सॉल्यूशन होगा इसका भी बस मैं इंट बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो ओनर है इसका वही इसका हल बता सकता है, ठीक है। फिर भी इसको कैसे आप करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आईटीएल पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये जो आपका लॉक डिवाइस दिखा रहा है, डिवाइस लॉक, ये दिखा रहा है डिवाइस लॉक टू अनलॉक योर डिवाइस इनसेट आ वैलिड सिम। जो इसमें सिम लगी हुई थी ये वो सिम मांग रहा है, सिम कार्ड जो इसमें जियो की सिम पहले लगी हुई थी। तो कनेक्ट योर मोबाइल नेटवर्क एंड वाईफाई, जैसे ही इसके अंदर आप वाईफाई से इसे कनेक्ट करेंगे जियो की सिम डाल के, तब जाके ये आगे प्रोसेस होगा, ठीक है, और अनलॉक फिर उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। तो इसमें जो है आपकी ये जियो की सिम मांग रहा है आगे प्रोसेस करने के लिए, तो जियो की सिम अगर इसमें डालेंगे तो ही आगे चलेगा, अदरवाइज़ ये कुछ देर के बाद फिर बंद हो जाएगा अगर आप इसमें जियो की सिम नहीं डालेंगे। आप चाहे इसे UMT से कर लें, ये देखें अभी UMT से इसे अनलॉक किया है तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। ये देखें हमने यहाँ पे ओप्पो A15 सेलेक्ट कर रखा है, UMT से कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तब भी ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है। तो इसको जो है जब तक, और हमने वाईफाई से भी कनेक्ट किया हुआ है इसे, ये देखें ये वाईफाई से यहाँ पे कनेक्ट है, तब भी ये आगे प्रोसेस नहीं कर रहा है। अभी मैं इसको जो है रिस्टार्ट करता हूँ, स्विच ऑफ कर दिया, और अब मैं इसे जो है UMT से फ्लैश करूँगा, एक बार आपके सामने दिखाता हूँ। ये मैं FRP रीसेट कर दिया यहाँ पे, तो गाइस ये देखिए हमने UMT से इसे करा है और डाटा केबल लगा के इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस चल लिया आगे, तो यहाँ पे ये देखें रीसेट FRP डन हो गई, इसकी FRP तो डन होगी। यहाँ पे डिसेबल लॉक भी है, तो इसके अंदर ये जो है आपका आ रहा है अनलॉक डिवाइस, तो हम एक बार इसे डिसेबल लॉक पे करते हैं। तो डिसेबल लॉक का कर दिया है, नॉट सपोर्ट आ रहा है ये हीलियो CPU एट द मोमेंट। तो अभी जो है ये डिसेबल लॉक पे जो है ये हो नहीं रहा है। तो अभी UMT में जो है इसका फ्यूचर अभी आया नहीं है, क्योंकि ये हीलियो का CPU अभी डिवाइस डिसेबल पे अभी आया नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा इसे MT के 1 क्लिक पे देखें तो यहाँ पे भी जो है इसका फॉर्मेट वाला ये ऑप्शन आया नहीं है, MT के भी फॉर्मेट वाला ऑप्शन आई, ये नया पार्टीशन जो है इस पर जो है यहाँ पे भी अभी कोई ऑप्शन आया नहीं है। फ्लैश एंड टूल पे भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये मोटोरोला के FRP पे आ रहा है फॉर्मेट, और यहाँ पे ये ओप्पो अनलॉक बेटा, तो इधर जो है यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। तो हमने FRP तो कर दी है इसकी, और इसको भी अनलॉक करके देखते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, अगर सिम है आपके पास तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, अदरवाइज अगर सिम नहीं है तो आगे की प्रोसेसिंग इसकी मुश्किल है। और अगर इसको आप ऑनलाइन खोल भी देते हैं इसकी CPU से शॉर्ट करके, ठीक है, इसका CPU जो है उसको शॉर्ट करके अगर आप इसे कर भी देते हैं, तो जैसे ही ये ऑन होगा आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होगा तो उसके बाद ये खुद सेम सिचुएशन पर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको जो है इसको जब तक सिम नहीं मिलेगी आगे ये देखें, हमने FRP करने के बाद भी ये डिवाइस अनलॉक बता रहा है,
जब तक इसके अंदर जियो की सिम कार्ड नहीं डलेगी तब तक ये प्रॉब्लम इसमें आता रहेगा, ठीक है गाइस। तो आप जो है इसको करना बेकार है, अगर आप इसे कर भी देते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, आपको बताने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।